मनुस्मृति में शूद्रों के लिए क्या क्या घटिया बातें लिखी हैं। मानवता के कल्याण के लिए परम सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने अपने मुख से ब्राह्मणों को जन्म दिया, क्षत्रियों को अपनी भुजाओं से, वैश्यों को अपनी जांघों से और शूद्रों को अपने पैरों से पैदा किया। भगवान ने कहा है कि एक शूद्र का कर्तव्य है कि ऊपरी वर्णों की श्रद्धा पूर्वक सेवा करे, उसका यही धर्म है। सौ साल के क्षत्रिय को भी एक 10 साल के ब्राह्मण लड़के को अपने पिता के रूप में मानना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन के लिए कभी भी अन्य वर्णों के व्यक्तियों को आमंत्रित नहीं करना चाहिए। अगर कोई ब्राह्मण से भोजन मांगता है तो ब्राह्मण कुछ बचा खुचा दे सकता है, लेकिन वो भी उसके नौकर घर के बाहर देंगे। वो जो शूद्र विद्यार्थियों को निर्देश देता है और वो जिसका शिक्षक एक शूद्र है, वो श्राद्ध में आमंत्रित होने के लिए अयोग्य हो जाएगा। एक शूद्र शिक्षा प्राप्त करने के लिए अयोग्य है। ऊपरी वर्ण शूद्र को शिक्षा या सलाह ना दें। यह आवश्यक नहीं कि शूद्र को नियमों और संहिताओं का पता होना चाहिए, और इसलिए उन्हें पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। जो इसका उल्लंघन करेगा वो नरक में जाएगा। एक ब्राह्मण को ऐसे देश में न रहने दें जहां शासक शूद्र हो। शूद्रों की उपस्थिति में वेदों को कभी नहीं पढ़ना चाहिए। जिस देश में ब्राह्मण नहीं है, जहां ब्राह्मण खुश नहीं है, वो देश तबाह हो जाएगा। सिर्फ एक ब्राह्मण सभ्य होता है, वो न्यायाधीश के रूप में कार्य करे, लेकिन शूद्र कभी ऐसा नहीं कर सकता। एक राजा जिसके साम्राज्य में एक शूद्र कानून का पालन कराए, वो साम्राज्य दलदल में गाय की तरह डूब जाएगा। अगर कोई ब्राह्मण को गुलाम बनाने की कोशिश करता है तो उस पर 600 पण का जुर्माना लगाना चाहिए। एक ब्राह्मण शूद्र को किसी वेतन के बिना सेवा करने का आदेश दे सकता है, क्योंकि ब्राह्मणों की सेवा करने के लिए ही ब्रह्मा ने शूद्र को बनाया है। भले ही एक ब्राह्मण शूद्र को गुलामी से मुक्त कर दे, लेकिन शूद्र फिर भी गुलाम बना रहता है। किसी को भी उसे मुक्त करने का अधिकार नहीं है। एक शूद्र जो द्विज व्यक्ति का अपमान करता है, उसकी जीभ कटेगी, क्योंकि वो नीच है। अगर शूद्र द्विज नामों और जातियों का उल्लेख करता है तो 1 10 उंगली लंबी लोहे की कील गर्म करके उसके मुंह में डाल दी जाए। यदि कोई शूद्र घमंड से ब्राह्मणों को धर्म का उपदेश देता है तो राजा उसके मुंह और कानों में जलता हुआ तेल डलवा दे। एक शूद्र जो ऊंची जाति के महिला के साथ संभोग करता है तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाना चाहिए और उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाना चाहिए। एक ब्राह्मण शूद्र को बाध्य कर सकता है, चाहे वो खरीदा गया हो या बिना काम किया हुआ हो। किसी भी शूद्र के पास खुद की संपत्ति नहीं होनी चाहिए, उसके पास खुद का कुछ भी नहीं होना चाहिए। एक धनी शूद्र का अस्तित्व ब्राह्मणों के लिए बुरा है। एक ब्राह्मण शूद्र के माल पर अधिकार कर सकता है। एक ब्राह्मण बिना किसी हिचकिचाहट के शूद्र की संपत्ति जब्त कर सकता है। एक शूद्र जो सिर्फ अपना पेट भरना चाहता है, एक वैश्य की सेवा कर सकता है।
यदि वो जीवित रहने का स्थायी साधन चाहता है तो वो एक क्षत्रिय की सेवा कर सकता है, लेकिन अगर वो स्वर्ग जाना चाहता है या अगली पीढ़ी में उच्च या श्रेष्ठ जन्म चाहता है तो उसे ब्राह्मण की सेवा करनी चाहिए। एक शूद्र का सबसे पवित्र कर्तव्य ब्राह्मणों की सेवा करना है। हमेशा ब्राह्मण शब्दों का अत्यंत भक्ति के साथ पाठ करना चाहिए। ऐसे शूद्र को मोक्ष मिलेगा, अन्यथा वो बहुत बुरी मौत मर जाएगा और सबसे बुरे नरक में जाएगा। एक शूद्र जो स्वर्ग के लिए ब्राह्मणों की सेवा करता है उसे ब्राह्मणों का नौकर कहा जाएगा। शूद्रों का सबसे बड़ा काम सिर्फ ब्राह्मणों की सेवा करना है। इसके अलावा वो जो भी कुछ करेगा उसे उसका कोई फल नहीं मिलेगा। ब्राह्मण शूद्रों को बचा हुआ भोजन, पुराने फटे कपड़े, खराब अनाज और पुराने बर्तन दे सकता है। शूद्र जरा सा भी धन संग्रह नहीं कर सकता, भले ही उसके पास इसे बनाने की शक्ति हो, क्योंकि एक अमीर आदमी गर्व करता है जिससे ब्राह्मणों को दर्द होता है। एक ब्राह्मण शूद्र से कभी भीख नहीं मांगेगा। शूद्र किसी अन्य वर्ण में शादी नहीं कर सकता। एक ब्राह्मण के नाम का पहला भाग कुछ शुभ संकेत देता है। एक क्षत्रिय सत्ता से जुड़ा हुआ है और एक वैश्य धन के साथ, लेकिन एक शूद्र व्यक्ति अपमान के साथ जुड़ा है। एक ब्राह्मण के नाम का दूसरा भाग क्षत्रिय का एक शब्द सुख देने वाला शब्द होता है, जो वैश्य की रक्षा करने वाला और शूद्र की अभिव्यक्ति निरूपण सेवा का शब्द व्यक्त करने वाला होता है। ब्राह्मण इस घटिया किताब को अपनी श्रेष्ठ किताब मानते हैं। ये किताब जलाई जानी चाहिए, इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति दहन किया था।